महावीर भैया, सदी भाई, एक बार अभियुक्त पकड़ा गया है जिस पर 2 दिन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत है। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? थाना कोतवाली देहात और स्वाट टीम द्वारा आज एक पुष्पेंद्र शंगा नाम के 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से तमंचा कारतूस के अलावा एक लूटी मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। ये 25,000 रुपए का इनामी अपराधी मई के महीने से लगातार वांछित चल रहा था। इस पे लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमों का लंबा आपराधिक इतिहास है। अभी इसकी हिस्ट्रीशीट नहीं खोली गई थी, इसकी हिस्ट्रीशीट खोली जा रही है। पहले से इस पे गैंगस्टर एक्ट का अपराध इस पे है, इसलिए इसके और साथियों के बारे में जानकारी करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर। इसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान ये थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच स्वाट सर्विलांस टीम ने वांटेड होने की स्थिति में 25,000 रुपए के इनामी होने की स्थिति में गिरफ्तार किया। सर, ये किस प्रकार के बड़े मुकदमों में वांछित चल रहा था? ये लगातार लूट के, हत्या के प्रयास के, रंगदारी के तमाम मुकदमे में पहले जेल जा चुका है। इसका लंबा लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमों का अपराधिक इतिहास रहा है। थैंक यू सर। कहाँ से पकड़ गई और कहाँ जाना? ये जनपद एटा के थाना निधौली कला पुलिस द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान एक कैंटर देसी शराब जो पंजाब से लेके बिहार नालंदा के लिए ले जाई जा रही थी तस्करी के लिए, उसको पकड़ा गया है। और चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है जो तस्करी में संलिप्त थे। जब उस कैंटर की अंदर तलाशी की गई तो उसमें एक केबिन नुमा कमरा बना के इन लोगों ने उसमें 52 पेटी देसी शराब छुपा के रखी थी जो तस्करी के लिए पंजाब से लेकर नालंदा बिहार के लिए ले जाई जा रही थी। इनका संगठित गिरोह है, जो वाहन स्वामी हैं उनको भी इस मामले में वांछित किया गया है। और इस गिरोह से जुड़े हुए दूसरे सदस्यों के बारे में भी गहराई से छानबीन की जा रही है। सारे लोगों को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी निरुक्त करेंगे और जिलाधिकारी एटा को रिपोर्ट देके कैंटर टीम की जब्ती की कार्रवाई करवाएंगे। कप्तान साहब, ये इस तस्करी में कुल कितने लोग थे? अभी ये 2 लोग आरोपी पकड़े गए हैं जो सक्रिय रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं। इनके संगठित गिरोह में लगभग 0.5 दर्जन से अधिक सदस्य शामिल हैं जो अलग अलग स्थानों के द्वारा बताए गए हैं जहां ये किसी शराब सप्लाई होनी थी या जहां से इनको लोड किया गया था। वो सारे लोग इसमें वाहन स्वामी समेत आरोपी बनाए गए हैं। थैंक यू।